हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोकगीत चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर गर्भवती महिला में ये लक्षण दिखने लग जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आने वाली संतान एक लड़का ही होगा। ये तब लक्षण तभी दिखते हैं जब गर्भवती महिला को एक बेबी बॉय कंसीव किया होता है। तो ये बहुत ही सटीक लक्षण है और जो कि गर्भवती महिलाओं ने हमारे साथ शेयर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जब भी गर्भवती महिला एक बेबी बॉय या गर्ल कंसीव करती है तो उसको काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फर्स्ट मंथ से लेकर के आपको 9 मंथ तक अगर यही लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली संतान एक बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। अगर उसको सेकेंड मंथ से ही चिड़चिड़ापन महसूस होता है या किसी से बोलना चालना पसंद नहीं आता, अधिक ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, या अभी चिड़चिड़ी हो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, अभी हंसी होकर बात कर रही हैं, खुश हो गए, तो ये भी एक चेंज जो आता है वो लड़का होने के टाइम पर ही आता है। कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। यानी कि कम बोलना पसंद करती हैं, अकेले में रहना पसंद करती हैं तो ये लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है, अगर आपका जो ब्रेस्ट है उसकी सीधी साइड का ब्रेस्ट आपका बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और लेफ्ट साइड का थोड़ा छोटा है तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी लक्षण हमें बहुत ही अनोखा सा लगा और हमारे साथ शेयर किया तो हमने आपके साथ भी इसको शेयर किया। ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है जो कि गर्भवती महिलाओं ने हमारे साथ शेयर किया है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं, अगर आपको देखो दालें खाना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, पालक पसंद नहीं है, तोरी पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, ये चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं आ रही, यानी कि आपको रसीली सब्ज़ी पसंद नहीं आती, आलू की सब्ज़ी झोल जैसे हो गया, रसीली सब्ज़ी वो पसंद नहीं आती हैं आपको, या फिर राजमा हो गए, छोले हो गए, इस तरह की दालें या इनमें कोई भी चीज़ आपको खाना पसंद नहीं आता, इनको बनाते समय आपको देखो उल्टियाँ सी आने लग जाती हैं, इनकी जो महक है उबलते हैं, जब उबालते हैं इसको तो महक आती है तो वो महक आपको पसंद नहीं आती, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। तीसरा लक्षण है, अगर आपको रोटी में से बदबू आती है, ठीक है, आप रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते आपको उल्टियाँ आने लग जाती हैं, खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, आप सिर्फ ठंडा खाना पसंद करती हैं तो ये एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है जो कि बेबी बॉय के टाइम पर देखा गया है। अगले लक्षण की बात कर लेते हैं। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है, अगर आपको पूरी ही प्रेगनेंसी आपके सिर में दर्द बना रहता है, आप दवाइयाँ भी ले रही हैं, फिर रेस्ट भी कर रही हैं, फिर भी आपके सिर में दर्द रहता है तो ये एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है जो हमारे साथ कई गर्भवती महिलाओं ने शेयर किया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।